अलमेक जी आ, माशाला जजाकल्ला फॉर कमिंग टू हैदराबाद हैदराबाद आने के लिए आ, तो सबसे जो सवाल दिमाग में मेरे जो घूम रहा है जब से आप जब से बयान शुरू करें परसेंटेज हमारा कम्युनिटी का इंडिया में थर्टीन टू एटीन परसेंट है हैदराबाद में इट इज़ अराउंड फोर्टी परसेंट तो इंडिया दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पे स्टार्टअप्स हो रहे जैसा कि सोशल मीडिया का यूट्यूब से लेके इवन इफ़ यू सी टेस्ला एंड मेनी थिंग्स एंड इंडिया इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इंडिया में अभी वो चल रहा और टॉप फाइव में तेलंगाना है और तेलंगाना में ख़ुद एक हब है स्टार्टअप का और वहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज इज़ लेस दैन वन परसेंट एंड आर पॉपुलेशन इज़ फोर्टी परसेंट चालीस फ़ीसद हमारा पॉपुलेशन है जो हमारा इंटेलेक्चुअल है हैदराबाद है का वो मिडिल ईस्ट जाता है और ज़्यादा पढ़ लिया तो यू एस uh, यूरोप ऑस्ट्रेलिया जाता है स्टडी के लिए बट बैक वहीं रह जाता है सिटीजनशिप के लिए हाउ कैन वी मेक कन्विंस उनको हम किस तरीके से मुतमयन कर सकते कि आपकी इंटेलेक्चुअल चीज़ें सिटी में आओ यू हैव अपॉर्चुनिटी हेयर एंड यूटिलाइज बिकॉज स्टार्टअप्स में लॉट ऑफ हलाल थिंग्स आर देर वी कैन गेट हलाल इन्वेस्टमेंट एज यू सेड सेन स्पीच जजाक ला देखिए जिसको एक कॉमनली uh, कहा जाता है ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन वाला जो फिनना है इंडिया पे एक बहुत रिपोर्ट आई थी हाल में कि इंडियन लोग यहाँ खुद कुछ करना शुरू नहीं करते मुस्लिम कम्युनिटी जाने दीजिए एक जनरल बात कर रहा हूँ और वो यहाँ से चले जाते हैं उसमें उन्होंने फाइव रीजंस कोट किए थे कि क्यों लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए या जॉब्स के लिए या रिसर्च बेस्ड वर्क के लिए और इंडिया का एक स्क्रीम जिसको कहेंगे सोसाइटी का वो दूसरी तरफ जाता है वो ब्रेन गेन कर रहे हैं और हमारा जो मुल्क है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिसमें बेसिक पहली चीज़ ये थी कि हम हम ये समझते हैं कि वहाँ जाकर हम ज़्यादा कमा सकते हैं बनस्बत यहाँ के वहाँ जाकर हम ज़्यादा कमा सकते हैं बन यहाँ कमाने के दूसरा वहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी बन यहाँ की ज़िंदगी से तो बहुत सारी चीज़ों को लोग इस तरह से कंपेयर करते हैं अब ये चीज़ों के बाद कम्युनिटी का रिप्रेजेंट जो आपने खास तौर से कहा कि वन परसेंट लोग स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन ये बात तो तय है फोर्टी परसेंट अगर पॉपुलेशन है तो फोर्टी परसेंट लोग बाहर नहीं जा रहे हैं यहाँ काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ है हमने उस तरफ सोच ही नहीं रखी याद कर हम लोग उस बारे में सोच ही हालांकि कई स्टार्टअप ऐसे जो मुसलमान शुरू कर रहे हैं आइडियाज उनके हैं लेकिन कैश नहीं कर पा रहे हैं उसको तो जहर सी बात है हमको इस तरफ रुझान डालना पड़ेगा एज़ अ कम्यूनिटी फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको जॉब का एग्जाम्पल दिया लोग जनरली मुस्लिम जॉब करना पसंद करते हैं छोटे मोटे बिजनेस भी है तो उसको ऐसा बहुत बड़े बिजनेस नहीं कहेंगे जैसा इतना बड़ा शहर है मैं समझता हूँ फोर्टी परसेंट तो यहाँ नहीं होंगे मे भी उससे ज़्यादा हो सकता परसेंटेज हो इतना बड़ा है लेकिन आप बताइए यहाँ कंपनीज़ कितने जो मुस्लिम चला रहे हैं जिससे प्रोडक्शन होता है याद रखी एक्चुअली को चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं दे रहे हैं और उसमें उनका पार्ट नहीं हम सेलर है रीसेलर है रिटेलर री है शॉप होल्डर है ज्यादातर मैकेनिक्स है और ये हम प्रोडक्शन में कितने लोग हैं बताइए आप नहीं है याद रखिए जो कि क्रीम है वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है कितने लोग हैं जो कंपनी चलाते हो आपने देखे पैसों की कमी नहीं है दस करोड़ बीस करोड़ तो ऐसी जायदादें लेके बैठे बीस बीस करोड़ की लेकिन उससे कुछ होता नहीं वनडे नहीं देती याद रखिए ठीक है लेकिन अगर उसी चीज़ को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले एक स्टार्टअप शुरू होता है उससे तजारतें शुरू होती है क्या कुछ नहीं हो सकता याद रखिए तो हाँ पर उसकी सोच नहीं दूसरा एक सोच ये भी मुस्लिम इतना कमा रहे ना काफ़ी है इतना कमाना ना काफ़ी जैसा मैंने कहा ना कमाना काफ़ी नहीं है अल्लाह ने सलाहियत दी तो कमा आप दूसरों को रोज़ी देने वाले बनिए मतलब दूसरों को आप जॉब पे रखिए अपने पास स्टार्टअप्स करके और ये आंटरप्रीनरशिप जिसको बोलते हैं स्टार्टअप्स जब होंगे न्यू आइडियाज जनरेट होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो होंगे याद रखिए और ये बहुत अहम चीज़ है ऐसा नहीं कि हाँ जहन की कमी है ऐसा नहीं कि हम पैसों की कमी है आइडियाज़ की कमी है वो सोच की कमी है जो कम्युनिटी को देना चाहिए तो मैं चाहूँगा वो लोग जो इस फील्ड में हैं या इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं ख़ुद आंटरप्रीनर्स है वर्क कर रहे हैं उनके पास अपने आइडियाज़ हैं वो स्टार्टअप्स ले रहे हैं या उनके पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ है वो कम्युनिटी को बताए कि ऐसा कर सकते हैं ऐसा किया जा सकता है आप भी और ऐसा करो इनशाला जी जब ये चीज़ें उन तक पहुँचेंगी तो वो भी इनशाला जी ज़रूर इसके अंदर जो है आगे बढ़ेंगे अंदर और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो लोग इस फील्ड में हैं वो हो सकता है मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे अंदाज से बताए कि क्यों लोग नहीं कर रहे हैं और कैसे उसको बरहल करना चाहिए जी चौथा सवाल खुतिन की जानब से लिया जाएगा असल वरम्ह वरक दौरे हाजिर में खातन का क्या किरदार होना चाहिए देखिए सवाल आया कि दौरे हाजिर में खातन का क्या किरदार होना चाहिए तो दौरे हाजिर में खातन का सबसे बड़ा किरदार ये होना चाहिए कि हम लोग वैसे लोग तैयार करें जो लोग इस दिन पर चले मतलब अपने बच्चों की तरबियत हम ऐसे करेंगे कि हमारे बच्चे दिन पर चलेंगे ये सबसे बुनियादी चीज़ें मतलब एक औरत जो है वो सबसे पहले टीचर है जितने दुनिया में लोग आते हैं, लड़के और लड़कियाँ से पैदा होते हैं माँ के जरिए आते मतलब तो औरत के जरिए आते हैं। औरत सबसे पहले इन आइडियाज़ को रखेंगी तो वो 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 होंगे ऐसा एक मिसाल देता हूँ एक बार हमने जो है अजान के और अखामत के मसाइल लेक्चर रख दिया लोगों ने कहा इसमें लेडीज़ तो उनकी क्या जरूरत है कहीं तो इनकी तो अहम ज़रूरत है तो बोले लेडीज़ का अकामत देंगी लेडीज़ क्या अज़ान देंगी उनका मसला ही नहीं है उनका मसला नहीं है उनके बच्चों को सिखाएंगी ये सब बातें ज़रूरी है कि वो ये काम अपने बच्चों को तरबियत देंगी वो बचपन से कि ऐसा होता ये है, ऐसा है ये मसला ऐसा ये मसला वैसा है ऐसे कई मसाले जो मर्दों के साथ नहीं होते लेकिन मर्दों को मालूम वो क्या रहते हैं औरतों को कितने उलमा हैं जो आप तहारत के मसायल फुला के मसायल वही बताते हैं ना औरतों को उनके साथ तो मसायल होते हैं कि खुद नहीं होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप खुद उसमें हो तो समझे तो सबसे पहले वो अपना पहला अव्वल किरदार अदा करे और वो क्या है मालूम आपको ऐसी जनरेशन तैयार करें आने वाली जो जनरेशन दिन से मोहब्बत करने वाली हो ऐसी जनरेशंस तैयार करें जो जनरेशन इस दिन को बचपन से समझने वाली हो ऐसी जनरेशन तैयार करें जो जनरेशन बचपन से इस दिन के अंदर जो है डेवलप मतलब दीनी तलीमत के बेसिस पर आगे बढ़े ये सबसे प्राइम रोल है जो खुतिन को अदा करना है हमारे पास एक बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ औरतें ये किरदार छोड़ के बाकी सारे किरदार निभा रही है मिसालें तो इतनी दे सकता हूँ मैं इसी को इंतजार नहीं शादी ब्याह ले लीजिए आप अच्छा शादी ब्याह की रसूमत जहेज़ ले लीजिए आप कई चीज़ें बता सकता हूँ ये कौन बता रहा है कौन कर रहा है ये सब खुतन कर रही हैं लेडीज़ हमारे पास क्या कर रही है अल्लाह ने माल्ला दे दिया खुशहाल ज़िंदगी है तो लॉन्ग सोना ज्यादा से ज़्यादा सोना कम से कम काम करना काम नहीं करने के ज़्यादा से ज़्यादा बहाने तलाश करना कुछ भी हो सकता है शादी होगी तो बीवी के काम नहीं सास का काम जो भी बहाने तलाश करना अलग अलग तरीक़ों से काम नहीं करने के रीजन तलाश करना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके बताना कि वो तो ऐसा कर रहे तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ लेकिन हमने उन औरतों को छोड़ दिया जो अवलिन दौर की औरतें थी क्या मशक्क़त और मेहनत की याद रखिए लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे बच्चे क्यों नहीं हैं आज जो फला फूला सहाबा जैसे दिखते हैं मैं कहता हूँ ऐसी औरतें नहीं हैं जिनके ऐसे ही बच्चे नज़र आए याद रखी सहाबा भी ऐसे थे मेहनत मशक्क़त कर रहे थे हलाल रोज़ी के चक्कर में बाहर थे तजारतों में लगे थे घर से दूर थे याद रखिए कौन थी जो इन बच्चों को तैयार करता वो कौन था जो इन सहाबाओं को नन्हे मुन्ने तैयार करता उनकी माएँ थी याद रखी क्या तरबियत दे रही थी अपने घर में नबी से मोहब्बत सिखा रही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और औरदारी बच्चों को सिखा रही उनको दीनी इल्म और शूर दे रही कितने वाक़ा था अनस बिन मालिक रजी अल्लाह उनका वाक़ आता है कई मरतबा मजलिसों में होते हैं और दुआ देते कि अल्लाह मेरी माँ को अच्छा रखे ये उनकी तरबियत का नतीजा है जो अनस यहाँ है आज ऐसे बच्चे आज दिखेंगे जो अपनी माँ को दुआ दे मेरी माँ की तरबियत का आज मैं नतीजा हूँ नहीं मिलेंगे आपको ऐसे बच्चे आप समझ रहे हैं बात को तो लिहाजा माओ को सबसे पहला ये काम करना है और मैं अपनी जबान में जो हमेशा कहता हूँ बच्चा बच्चा माँ का ख्वाब होता है अब आप सोचो एक और सोते हैं कि नाते अपने बच्चों के बारे में क्या ख्वाब देखते हैं आप वह का ख्वाब है यादर की और माओ ने ख्वाब देखा जब अपने बच्चों के लिए तो बच्चों को वैसा पाया समाजने कि हाँ ये होते हैं बच्चे पहले सोच होती है ना तो वो ख्वाब कहाँ है हमारे पास किसका ख्वाब है आज मेरा बच्चा बने अगर मैं आपको मिसालें देते जाऊँ इमाम शाफी की मिसाल लीजिए इमाम शाफी दुआ देते थे कि अल्लाह मेरी वालदा पर रहम करे आज जो मेरा हाफजा मेरी माँ की वजह से है चूँकि इमाम शाफे का ये हाल था यतीम थे सबसे पहले तो वालिद का इंताल हो गया था यतीम बच्चा जब होता है जब उसको उसका वालद का इंतकाल और वो बालिग ना हो जाता क्योंकि यतीम थे वालदा गरीब थी इमाम शाफे को पढ़ाना चाहती थी जब पढ़ाना चाहती थी तो वो पेपर जो लोग या चीज़ें जिन पर लिखा जाता था लोग फेंकते थे ना वो जमा करती थी जाके ऐसा अकाउंट उसका सेक्शन है किसी ऑफिस में वहाँ से जमा करती करतीही जमा करती थी जो बची हुई सियाही होती जगह उसमें ला के देती थी अब हम शाफे लिखने जा रहे बोलते थे जब ये ख़त्म हो जाती मेरे को तो पुर्ती नहीं है इतनी और इतना पैसा नहीं था कि वहाँ पढ़ा सकें तो उनकी वालदा ने एक बार एक आइडिया दिया देखो शाफाई इनका नाम मोहम्मद बिन इद्रिस था देखो शाफी तुम क्या करो अब इतना पैसा तो नहीं तुम जब उस्ताद पढ़ाता था ना उसको याद कर लिया करो पैसे नहीं अपने पास तो इमाम शाफे ने एक आदत डेवलप कर ली वो चीज़ों को सिर्फ सुनते थे याद करते थे और उनका हाफिज़ा इतना तेज सा रिवाज में आता एक बार किसी किताब को उठा के पढ़ लेते पन्ना अब ये उनको याद रहता था हो गया तो अपनी वालदा को दुआ देते मेरी वालदा का आइडिया था उन्हें मुझसे कहा नहीं है, पैसे क्या करें याद कर लो शाफिज याद कर लिया उन्होंने माँ ख्वाब होता है बच्चा अदर के इमाम अहमद बिन हम्बल का अगर आप मिसाल लगदाद में रहने वाले थे इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था यतीम तो नहीं बोलेंगे थोड़े बड़े हो गए थे लेकिन जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ लेकिन वालद नहीं थे जहर से होते एक इकनॉमिकल सारा एक दुकान छोड़ गए थे जो दुकान भहरा लोग किराए से देते थे उसका पैसा था तो माँ का बोलना था तुम तजारत नहीं करोगे अहमद तुम तालीम हासिल करोगे तालीम हासिल करोगे इतनी मेहनत की इमाम अहमद बिन हम बल्कि अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो इतनी दुआएं देते अपनी वालदा को हमेशा कि मैं जो कुछ अपनी वालदा और उनकी वालदा के क्या ख्वाहिश थी मालूम आपको रिवाज माता तो है उनकी वालदा उनसे कहती मैं तुमको बगदाद का इमाम देखना चाहती हूँ कहाँ का बगदाद का और हम जानते हैं उनकी वालदा का ये ख्वाब था वो बगदाद के लिए दुनिया के इमाम बन गए उनका फिखा ज़ाहर सी बात है बहुत मशहूर फखा है दुनिया का समझ समझना तो ये होता है माँ का ख्वाब अपने बच्चे के लिए क्या देखते हैं तो अब मैं यही कहूँगा आप सोचो आप क्या देखते हो अपने बच्चे के लिए ख्वाब इसके लिए वैसी मेहनतें भी की औरतों ने तो जाहिर सी बात है प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना उस चीज़ पर जिस पर, जिस पर हम कायम रहना चाहते हैं ये सबसे अहम काम याद है याद रखिए तो औरतें सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करें इसके बाद सारी जिम्मेदारियाँ उनकी कहीं हो सकती है फहरिस्त है औरतों के हकूक़ पर औरतों की जिम्मेदारियों पर मेरे कई लेक्चर्स मौजूद हैं आप उसमें डिटेल में देखें मैंने काफ़ी डिटेल में एज अ हजब एज अ वाइफ एज अ मदर एज अ सिस्टर एज अ डॉटर ऐसे भी लिया मैंने और कई जगह जनरल रिस्पांसिबिली वन टू थ्री फोर की शक्ल में गिनाया आप उसको देखें इन शाला डिटेल में आएंगे यहाँ बस एक शॉर्ट में मैंने रखा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉसिबिलिटी क्या है मेरा